व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जॉब बैक एंड जिंदगी। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बहुत डिलीशियस पिज्जा हट स्टाइल चीजी बाइट पिज्जा और स्टफ क्रस्ट पिज्जा। ये देखिए फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाह रहीम, इसे हम कट करते हैं। परफेक्ट डो है, ये देखिए, और चेक कीजिए, ये देखिए इसका लुक, चेक कीजिए, ये देखिए परफेक्ट है। और टेस्ट में ये देखिए कितना चीजी है, बहुत यम्मी, बहुत चीजी। और ये देखिए इसकी डो, चेक कीजिए, बहुत डिलीशियस बना है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप न्यू हैं या आपने अब तक हमारा चैनल जॉब जायका जिंदगी सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मिल सके हमारे चैनल की तमाम अपडेट्स। चलें बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। परफेक्ट पिज्जा बनाने के लिए सबसे अहम है इसकी डो। यहाँ हमने लिए होम मेड पिज्जा डो, जिसकी रेसिपी हम आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और इसके अलावा स्क्रीन के कॉर्नर में आई कार्ड में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। पिज्जा को सैम्पल करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक स्मॉल साइज की प्याज, जिसे हमने इस तरह से स्लाइस कर लिया है। टमाटर एक स्मॉल साइज का, इसे भी हमने स्लाइस कर लिया है। मशरूम्स लिए हैं 1/4 कप, एक छोटी शिमला मिर्च स्लाइस की हुई, और हमने यहाँ पे लिए हैं काले ऑलिव, ये भी 1/4 कप है। मोजरेला चीज लिए हमने 1.5 कप शेड की हुई, और ओरिगैनो लिया है हमने थोड़ा सा स्प्रिंकल करने के लिए, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, और यहाँ हमने लिया है पिज्जा सॉस, ये होममेड है। इसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चिकन के चंक्स रेडी करने के लिए आपको चाहिए चिकन क्यूब्स 50 ग्राम, इसे हमने इस तरह से लिया है इस साइज में। नमक 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, लहसुन का पेस्ट हमने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून, 2 हरी मिर्चें, 1/2 प्याज लिए हमने दरमियाने साइज की, सोया सॉस लेंगे हम 2 टीस्पून, ऑलिव ऑयल 1 टेबल स्पून, आप चाहे तो बटर या फिर ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह। लेमन लिया है हमने 1/2, यहाँ हमने इस्तेमाल किया है फ्रेश पार्सले, आप चाहे तो ड्राई भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसे स्किप कर दीजिए। प्याज और हरी मिर्चों को हम पीस के इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए हमने इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है, पेस्ट बना लिया है हरी मिर्च का और प्याज का, ये हम शामिल कर देंगे चिकन के अंदर। सिर्फ हमने इसमें से 1 टीस्पून छोड़ देना है, बाकी सारा शामिल कर देना है। और साथ ही डालेंगे इसके अंदर गार्लिक पेस्ट, तमाम ड्राई मसाले, और इसे हम मैरिनेट कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर सोया सॉस, और लास्ट में डालेंगे इसमें हम लेमन जूस। और इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम रखेंगे 1/2 आवर के लिए फ्रिज में, ताकि स्पाइसेस का फ्लेवर चिकन के मीट में अब्सॉर्ब हो जाए। फ्रेंड, जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है फ्रिज में, हम रेडी कर लेते हैं रैंच सॉस। बेसिकली ये बहुत पॉपुलर सॉस है, मैकडॉनल्ड्स, KFC, पिज़्ज़ा हट वगैरह में आपको इजीली मिल जाता है। इसके लिए हमें चाहिए मेयोनीज 1/4 कप, यह हमने लिया है सॉर क्रीम। बेसिकली अगर आपके पास ये नहीं है तो आप दही पे जो बलाई आती है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने लिया है अनियन और हरी मिर्च का पेस्ट, जो हमने बचाया था 1 टीस्पून, वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ पे अनियन पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1/4 टीस्पून, ओरिगैनो 1/4 टीस्पून, ये ऑप्शन है क्योंकि आप पिज़्ज़ा में यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ये तैयार कर रहे हैं सलाद की ड्रेसिंग के लिए तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून और बेसिल लीफ 1/4 टीस्पून। इसके अलावा हमने यहाँ पे लिया है फ्रेश पार्सले चॉप करके, अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप धनिया इस्तेमाल कर लीजिएगा या फिर इसको आप ड्राई फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं 1/2 टीस्पून। साथ ही हमने यहाँ पे लेमन जूस लिया है 1 टीस्पून। अब हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाह रहीम, फ्रेंड्स आधा घंटा हो गया है, चिकन हमारी सेट हो गई है। अब हम एक पैन को रखेंगे मीडियम फ्लेम पे, और इसमें हम ऐड करेंगे ऑलिव ऑयल, इसे
इसे हम थोड़ा सा इस तरह से शेक कर लेंगे। अब हम डालेंगे इसके ऊपर चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे हमने मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है, यानी मीडियम थोड़ा सा लो हो, बिल्कुल लो फ्लेम पे नहीं करना, वरना चिकन पानी छोड़ देगी और हमें चिकन को जूसी रखना है। कंडी देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया है और इसमें इतना प्यारा कलर आ गया है, इसकी कलर इसका चेक कीजिए, बेहतरीन से कलर आ गया है इसके ऊपर। और अब हम डालेंगे इसके ऊपर चट पासले, जिसे हमने इस तरह से चॉप कर लिया था, और इसे हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ। फ्रेंड्स ये देखिए हमने ये घर पे खुद बनाई है स्ट्रिंग्स मोज़रेला चीज़ की। इसके लिए हमने जो ब्लॉक आता है मोज़रेला चीज़ वो लेकर उसे इस तरह से हमने स्ट्रिंग्स में काट लिया था रेक्टेंगुलर शेप में। अब ये देखिए स्क्वायर हो रहा है ना, इसे हमने रखा रूम टेम्परेचर पर, इस तरह से शेप में था ये। ये फिलहाल देखें बहुत अभी सॉफ्ट है, इसे हमने तकरीबन एक घंटे के लिए बाहर रख दिया था ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अब इसे हम इस तरह से रोल करेंगे। स्ट्रिंग हमारी रेडी है, ये परफेक्ट रहती है। फ्रेंड्स ये देखिए इसके बबल्स। सबसे पहले हम काउंटर पे थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर देंगे, इस पर रखेंगे हम ये डॉ। डॉ को हमने अच्छी तरह से इस तरह से पेड़ा बना लिया था, अब इसे हम हाथ की मदद से थोड़ा सा फैलाएंगे। अब हम लेंगे पैन, इस पर भी हम डस्ट कर देंगे थोड़ा सा फ्लोर, और उस पर हम रख देंगे ये जो हमने डॉग हाथ से इस तरह से एक्सपेंड कर दी थी, ये देखिए इसको हम इस तरह इस पर बिछा देंगे। और ये देखिए इस तरह से हमने लगा दिया है। अब हम यूज़ करेंगे मोज़रेला स्ट्रिंग्स, इसे हम इसके कॉर्नर्स पे रखना शुरू कर देंगे। हम कॉर्नर्स को इसके ऊपर ये देखिए ये एक्स्ट्रा है तो मैं इसे कट कर देती हूँ, ये देखिए इस तरीके से रैप करेंगे। अब हम नाइफ यूज़ करेंगे और इस पर हम यहाँ पे इस तरह से कट लगा देंगे तकरीबन 1.5 इंच के। अब आपने इसको ट्विस्ट करना है, आप ये एक उठाएंगे और इसको आपने इस तरीके से ट्विस्ट कर देना है। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर ये पिज़्ज़ा सॉस। अब हम इस पर डालेंगे थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ शेड की हुई। हम रखेंगे चिकन के पीसेस। अब इसे हम गार्निश कर लेंगे वेजिटेबल्स। और लास्ट है मोज़रेला चीज। अब हम इस पर स्प्रिंकल करेंगे ओरिगैनो और कुटी हुई लाल मिर्च। और लास्ट में बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अंडे को फेंट लीजिए और उसके अंदर आप इस तरह से ओरिगैनो और थोड़ा सा पास्ले जो है वो ऐड कर लीजिए ड्राई। ये बिल्कुल ऑप्शनल है और इससे जो है बहुत ज़बरदस्त कलर आता है। इसको हम इस तरीके से इन चीज़ी बाइट्स के ऊपर लगा देंगे। अब इसे हम रख देंगे ओवन में, जिसे हमने प्री हीट कर लिया था
ओवन में से हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा बहुत मज़ेदार सा चीज़ी पिज़्ज़ा बाइट सर्व करने के लिए रेडी है। आप इसका लुक चेक कीजिए, कितना अपीलिंग है, बहुत बहुत डिलीशियस लग रहा है। आप इसे ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा। और लास्ट में हम थोड़ा सा इस पर रैंच सॉस स्प्रिंकल कर देंगे, ये देखिए, परफेक्ट। सेम प्रोसीजर से हमने यहाँ पे एक और पिज़्ज़ा असेंबल किया था। इसे हमने कट नहीं किया है, इसे हमने चीज़ी बाइट्स नहीं बनाया है, बल्कि स्टफ क्रस्ट रखा है, यानी चीज़ को हमने यहाँ पे स्टफ कर दिया है। इस पर भी हम इस तरीके से रैंच सॉस को अप्लाई कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के फैमिली में शेयर कीजिए, हमें कमेंट्स के अंदर फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक और बहुत जल्दी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।